नमस्कार जोहार, मैं रोहित कुमार, आप सभी का मिस्टर जे में बहुत बहुत स्वागत है। आज का दोस्तों सबसे बड़ा सवाल है ये कि आखिर आप झारखंड का अगला मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहेंगे। आज हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है, इस राज्य में कोई भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा जब तक उसको रोजगार नहीं देंगे। ग्रेजुएट लड़का को 5,000 और MA लड़का को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी गठबंधन सरकार करेगी। आपके पास 2 से 3 नाम है जो कि झारखंड के राजनीति में हमेशा इधर से उधर चलता आ रहा है। पहले तो 2 ही नाम था, पहला था हेमंत सोरेन, दूसरा था बाबूलाल मरांडी या फिर यूं कह लीजिए कि रघुवर दास। लेकिन रघुवर दास को जिस तरीके से झारखंड से विभिन्न जगह पे उनको कमान संभालने को दिया गया है, उसके बाद मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं और जेएमएम की तरफ से हेमंत सोरेन। लेकिन दोस्तों अब तीसरा एक नाम एंट्री हुआ झारखंड के राजनीति में जिसका नाम है टाइगर जयराम महतो, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने 2 से 3 सालों में अपना राजनीतिक करियर को शुरुआत किया है उसे देखकर पूरा झारखंड हैरान है। और जिस तरीके से झारखंड के मुद्दों पे टाइगर जयराम महतो बातें करते हैं उसे देखकर झारखंड के हर एक निवासी खुश है। लेकिन बस जो कोई पार्टी का कार्यकर्ता है उसे छोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि झारखंड का 70-80% ऐसे लोग हैं जो टाइगर जयराम महतो का समर्थन करते हैं या फिर डायरेक्ट रूप से या फिर इनडायरेक्ट रूप से। दोस्तों आज का यही सवाल है कि आखिर झारखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। चलिए कुछ बातें करते हैं, इसी पे बातें करेंगे। आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री आप किसे बना रहे हैं। अगर आप उन्हें बना रहे हैं तो आखिर क्यों बना रहे हैं, आपका मकसद क्या है, आखिर कौन से काम से आप खुश हैं जो उसे आप झारखंड का मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे। दोस्तों आप सबको पता होगा कि हमारे देश में जितने सारे नेता हैं, हमारे झारखंड में जितने सारे नेता हैं, नेता बनने से पहले उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, लेकिन आज उनके पास हजारों सौ करोड़ का संपत्ति है। ये चीज दर्शाती दोस्तों की राजनीति पे आने के बाद झारखंड के नेता या देश का नेता 70-80% नेता ऐसे जो कि विकास का काम का बात नहीं करते बल्कि अपना जेब भरने का बात करते हैं। और अक्सर यही देखने को मिला, लेकिन कोई सवाल पूछने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि ऐसे कई सारे नेता हैं जो कि झारखंड में या फिर देश में बीजेपी से कांग्रेस, कांग्रेस से जेएमएम, जेएमएम से बीजेपी या कांग्रेस, इसी तरीके से अपना चक्कर लगाते हैं। मतलब वो सभी पार्टी में काम कर चुके हैं। अब कौन पार्टी होगा जो अपने नेता का खिलाफ बोलेगा, कौन पार्टी का नेता होगा जो अपने दूसरे नेताओं के खिलाफ बोलेगा। इसलिए झारखंड के राजनीति में, देश की राजनीति में ऐसा कभी होता नहीं है कि एक नेता दूसरे नेता पर आरोप लगाए। हाँ, वही नेता आरोप लगाते हैं जो कोई पार्टी में पल्ला नहीं बदलते या फिर दूसरे पार्टी का नेता कोई पार्टी में और जाके काम नहीं करते, जो फिक्स है उसके ऊपर आरोप लगते हैं। लेकिन जो लोग यहां से वहां घूमते रहते हैं वो लोग के ऊपर कभी सवाल नहीं उठता है। दोस्तों आपने देखा होगा झारखंड में हेमंत सोरेन पे कितने सारे घोटाले का आरोप लगा है। आप भी जानते होंगे बालू घोटाला, मनरेगा घोटाला से लेकर कोयला घोटाला, जमीन घोटाला, इन सभी आरोपों से हेमंत सोरेन जी घिरे हुए हैं। और इसी को देखते हुए झारखंड के जनता ने उन्हें नकारा है। और मुझे लगता है जिस तरीके से वो 5 महीने का जेल काट कर आए हैं, फिर मुख्यमंत्री का कमान अपने हाथों में संभाले हैं, उसे देखकर लगता है कि हेमंत सोरेन को दूसरे आदिवासी नेताओं का फिक्र नहीं है, बल्कि अपने सत्ता का लोभ के लालच में आकर जिस तरीके से सिर्फ 2 से 3 महीने चुनाव बाकी था लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन जाकर मुख्यमंत्री के पद पर बैठ जाते हैं। ऐसा लगता है दोस्तों कि वो पद इनके बाप का है, इनका खुद का है, जो अगला इंसान बैठा है उसका कोई वैल्यू नहीं है। दोस्तों आप सबको पता होगा दोस्तों कि हेमंत सोरेन किस तरीके से कई सारे घोटालों के आरोप में घिरे हुए हैं, उसके बाद भी हेमंत सोरेन के जैसे कई सारे कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए झंडा उठाते रहे। आज उन सभी से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, हेमंत सोरेन जहां थे वहीं पे वापस आ गए? हेमंत सोरेन जेल से पहले बाहर थे और वापस फिर आज जेल से बाहर हैं, बीच में 4-5 महीने जेल में काटे हैं। आप बताइए आपको क्या मिला? आपने हेमंत सोरेन के लिए आवाज उठाया, आपने हेमंत सोरेन के लिए आवाज बुलंद की, लेकिन आज हेमंत सोरेन जी बाहर है, बताइए आप जैसे कार्यकर्ताओं को क्या मिला? दोस्तों जो अपने आपको कार्यकर्ता कहते हैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, घंटा मिला दोस्तों, क्योंकि आपने भी देखा हेमंत सोरेन जी बाहर आए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आज भी हमारे झारखंड वही समस्याओं से जूझ रहा है। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जो कि आज झारखंड में ये बेसिक नीड है, उसी को आज झारखंड पूरा नहीं कर पा रहा, उसी को आज झारखंड के नेता झारखंड को दे नहीं पा रहे। बताइए हम कहां से बात करेंगे? आधुनिक झारखंड, आधुनिक पटना, आधुनिक रांची की बात कहां से करेंगे? आधुनिक गांव की बात कहां से करेंगे जब हमें बेसिक नीड ही नहीं मिल पा रहा? जो मुझे बेसिक नीड शिक्षा, स्वास्थ्य, एजुकेशन और सड़कें, बिजली, पानी, इस तमाम चीजें जो बेसिक नीड है उसी पे आज झारखंड काम कर रहा है, उसी से लोग आज जूझ रहे हैं। ऐसे कई सारे गांव है जहाँ पे आज बिजली नहीं पहुंचा, आजादी के बाद अभी तक भी बिजली नहीं पहुंचा, ऐसे कई सारे गांव है दोस्तों। लेकिन फिर भी हमारे देश में, हमारे राज्य में बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम सबका राज रहा है, खासकर झारखंड में तो क्षेत्रीय पार्टी से लेकर नेशनल पार्टी तक का राज रहा है। लेकिन फिर भी ऐसे कई सारे गांव है जहाँ पे स्कूल नहीं है, जहाँ पे रोड नहीं है, जहाँ पे बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नेता इस पे बात नहीं करता है। लेकिन दोस्तों आप घबराइए मत, क्योंकि आपके पास पहले 2 से 3 ऑप्शन था, लेकिन अब 2 से 3 ऑप्शन नहीं बल्कि आपके पास 4-4 ऑप्शन है। टाइगर जयराम महतो एक नया चेहरा बनकर उभर चुके हैं। जिस तरीके से दोस्तों टाइगर जयराम महतो झारखंड के मुद्दे को रखते हैं, जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो झारखंड के युवाओं की बात करते हैं, जिस तरीके से टाइगर जयराम महतो देश के मुद्दे की बात करते हैं, मुझे लगता है कि टाइगर जयराम महतो को झारखंड में मौका मिलना चाहिए दोस्तों।
दोस्तों हर किसी को आपने मौका दिया, जेएमएम को मौका दिया, बीजेपी को मौका दिया, एक बार टाइगर जयराम महतो को मौका देके देखिए। मुझे लगता है झारखंड में कुछ नया बदलाव होगा, क्योंकि जिस तरीके से झारखंड में कोयला 40% पूरे देश को देता है, लेकिन फिर भी झारखंड के लोगों को बिजली नहीं मिल पाता, ये बहुत बड़ा शर्मनाक है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से झारखंड का कोयला बाहर जाता है, बांग्लादेश आप कह सकते हैं, देश के कई सारे कोने में जाता है, वहां का राज्य, वहां का देश, वहां का एक एक जगह जगमगाती है, लेकिन झारखंड का जो जगह है, झारखंड के जो लोग हैं, वो अंधेरे में अपना समय बिताते हैं। इसलिए कहता दोस्तों आप सभी को कहता हूं कि एक बार टाइगर जयराम महतो भरोसा करके देखिए। मुझे लगता है जिस तरीके से देश को मोदी की जरूरत है, जिस तरीके से देश में मोदी चाहिए, उसी तरीके से झारखंड में एक बार टाइगर जयराम महतो को कमान देना चाहिए। मुझे लगता है कि टाइगर जयराम महतो के अंदर जिस तरीके से आग भरी है, जिस तरीके से झारखंड को नया झारखंड बनाने का एक उनके अंदर जो आग लग रही है, मुझे लगता है कि एक बार उन्हें मौका देना चाहिए। क्योंकि वो अपने दम पर, वो किसी पार्टी में जाकर नहीं, बल्कि अपने दम पर निर्दलीय बनकर एक झारखंड को नया विकास की राह पर ले जाना चाहते हैं दोस्तों। इसलिए कहता हूं कि एक बार झारखंड को, युवाओं को साथ आना चाहिए और झारखंड के विकास के लिए झारखंड में एक नए राजनीतिक पार्टी को ऊपर लेकर आना चाहिए दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से आज डाटा की दुनिया में अंबानी अपनी मनमानी चला रहा है, जिस तरीके से डाटा की दुनिया में एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया अपनी मनमानी को आगे बढ़ा रहा है, और इसी के बीच बीएसएनएल फिर एक बार एंट्री मारता है, उसी तरह झारखंड में भी जिस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, हर एक राजनीतिक पार्टी सिर्फ और सिर्फ झारखंड के लोगों को इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, खास करके आदिवासी भाई बहन को इस्तेमाल करने का प्रयास किया। आप जाइए कई सारे से जगह है दोस्तों, जहां पे झारखंड में आज भी बिजली नहीं है, पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, कई सारी समस्याएं दोस्तों। बताइए झारखंड में ऐसे 30% आदिवासी परिवार रहते हैं, उनमें से 10-12% के पास तो कोई घर भी नहीं है, लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, सड़कें नहीं है, बिजली नहीं है, फिर भी कोई नेता बात नहीं कर। जो दोस्तों आज हेमंत सोरेन अपने आप को आदिवासी का नेता बताते हैं, वही हेमंत सोरेन इन जैसे परिवारों की बात नहीं करते हैं। जहां उनका घर है दुमका, उसी के आसपास में जाके देखिए, मैं कह सकता हूं कि ऐसे कई सारे परिवार, इनके पास आवास नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है दोस्तों, चलने के लिए सड़कें नहीं है, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं दोस्तों उनके लिए, पानी पीने के लिए अच्छा जल नहीं है। बताइए कौन बात करेगा इन सभी मुद्दे पे। आप सभी को कहना चाहूंगा कि झारखंड का अगला मुख्यमंत्री मुझे लगता है इस बार टाइगर जयराम महतो को बनाइए। जयराम महतो एक झारखंड का नया चेहरा बन सकता है, टाइगर जयराम महतो झारखंड को आगे लेके जा सकता है, टाइगर जयराम महतो ऐसे इंसान है जो अभी के समय में झारखंड को इन सभी समस्याओं से बाहर निकाल सकता है। दोस्तों आपको क्या लगता है मुझे कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले नेताओं ने झारखंड को लूटने का प्रयास किया है, झारखंड के लोगों के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, वो चीज किसी से छुपा नहीं है। आज भी झारखंड में दोस्तों जिस तरीके से लूटपाट चल रही है, जिस तरीके से अवैध तरीके से खनन किया जा रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है, फिर भी कोई पार्टी का नेता बोलने को तैयार नहीं है दोस्तों। और दोस्तों साथ ही झारखंड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक और है, स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सभी ऐसे नीति है जिस पे आज तक झारखंड काम नहीं कर पाया, आज तक ये नहीं पता लगा पाया कि आखिर झारखंड का निवासी कौन है, अगर किस आधार पर झारखंड को झारखंडी निवासी कहा जाए, ये भी पता नहीं कर पाया दोस्तों। आपको पता होगा कि जब बीजेपी की सरकार थी, जब मुख्यमंत्री हमारे रघुवर दास जी थे, उस वक्त झारखंड को दो भागों में बांटने का प्रयास किया था, मेरा स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक एक तरफ दोस्तों कोडरमा सरकार जिला है जो कि इस भाग में आता है, 11 जिला, एक तरफ 14 जिला, इन सभी जिलाओं में देख सकते हैं जो 14 जिला वाले हैं वो जाके 11 जिला में नौकरी कर सकते हैं, और जो 11 जिला वाले हैं वो 14 जिला में आके नौकरी नहीं कर सकते। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह का झारखंड में नीति है, जो कि एक जिले को दूसरे जिलों से लाया जा रहा था। इसे देखकर दोस्तों आपको समझ सकते हैं कि झारखंड में कोई नेता ऐसा नहीं है जो झारखंड के विकास की बात करे, जो झारखंड में नीति बनाने का बात करे। इसलिए कहता हूं टाइगर जयराम महतो इंग्लिश से पीएचडी कर रहे हैं, पढ़े लिखे नेता है, एक जानकार युवा है दोस्तों, इसलिए कहता हूं कि टाइगर जयराम महतो को मौका मिलना चाहिए। इसलिए आप सभी से गुजारिश करता हूं, आपने 5-5 साल हर किसी को दिया, एक बार टाइगर जयराम महतो को देकर देखिए। मुझे लगता है कि झारखंड में एक नया विकास की रफ्तार होगा, झारखंड के युवाओं के लिए अच्छे दिन आ सकते हैं, हमारे झारखंड में बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे चीज पे काम हो सकता है। और आजकल झारखंड में जिस तरीके से गरीबी का स्तर और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उससे हम लोग बाहर आ सकते हैं। ऐसे कई सारे लोग, इसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, वो लोग जंगल में रहते हैं, शायद आप सिटी में रहते होंगे या फिर गांव में रहते होंगे, आपके पास जमीनें होगी, लेकिन ऐसे कई सारे परिवार हैं जिनके पास जमीनें नहीं है, खाने के लिए अनाज नहीं है, कोई नेता पूछता नहीं, बल्कि चुनाव के वक्त जाते हैं और बताते हैं कि आपको वोट कहाँ दबाना है, आपको अपना अंगूठा कहाँ दबाना है, कमल छापे दबाना है या फिर कंघी छापे दबाना है या फिर तीर धनुष छापे दबाना है। तो इसलिए कहता हूं आप जागरूक होइए और लोगों को जागरूक कीजिए, झारखंड का कमान एक बार टाइगर जयराम महतो के हाथों में देके देखिए, फिर पता चलेगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अगर टाइगर जयराम महतो से झारखंड का कुछ नहीं होता है, तो आने वाले समय में फिर वही बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम,
टाइगर जयराम महतो ये सब चलेगा और क्या हो सकता है। लेकिन दोस्तों टाइगर जयराम महतो कह रहा है कि एक बार मौका दीजिए, एक बार मौका दे के देखिए, आपने हर किसी को मौका दिया, एक बार टाइगर को देके देखिए, देखिए क्या होता है दोस्तों। क्योंकि जिस तरीके से देश को मोदी की जरूरत है, उसी तरीके से झारखंड में टाइगर की जरूरत है, टाइगर जयराम महतो की जरूरत है दोस्तों। इसलिए आपसे कहता हूं अब की बार टाइगर की सरकार एक बार बना के देखिए, फिर झारखंड का विकास को देखिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर आप बीजेपी कांग्रेस जेएमएम जहां भी हैं वहां पे चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जय झारखंड, जय जवाहर।